विधानसभा में नई नियमावली लागू होगी और ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल जी मौजूद हैं। जिस तरीके से नई नियमावली लागू हो रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? कल चर्चा भी हुई है। चर्चा हुई, हमने बता दिया साहब, ये नई नियमावली विधायक पर कुठार खाता है, विधायक को बंधक बनाना है, उनके जो अधिकार है उनका हनन है एक तरह से। जो विरोध करता हूँ मैं तो पर्सनली अपने आप में, और मैंने कह दिया कि इनको मजदूर बना के रखोगे, विधायक थोड़ी रह जाएगा, पेन नहीं ला सकता, हाथ में किताब नहीं ला सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता, गैलरी में नहीं जा सकता, जुर्माना हो जाएगा, अधिकारियों की तो मनमानी हो जाएगी भाई, ब्यूरोक्रेट की तो मनमानी हो जाएगी। वो कह देंगे वारदात हुई नहीं, हम कहेंगे वारदात हुई है, आधी वारदातों को तो ये लिखते भी नहीं, बगैर FIR के ये मानते नहीं। तो ये पुरजोर इसका विरोध किया जाएगा, ये नियमावली का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, प्रवर सदिमी को जाना चाहिए, तब एक कमेटी बननी चाहिए विपक्ष की भी और सत्ता की भी, सब लोगों की, तब एक सहमति बनकर तब इसको लाना चाहिए। स्पीकर सर ने कहा है कि कल इसे लागू कर दिया जाएगा, विधायकों से उन्होंने सलाह भी ली है, कल लागू किससे कोई सलाह, ये तो तानाशाही है, किससे कोई सलाह नहीं ली, इसमें कोई बात ही नहीं, किसी को सलाह नहीं, तानाशाही है एकदम, विधायकों पर कुठारा घात है, ये उनको अधिकारों का हनन करना है एक तरह से। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना समरपाल जी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नई नियमावली विधायकों के अधिकार का हनन कर रहा है और कुठाराघात किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।